सो हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर शंकु डगम। तो कैसे आप लोग? अच्छा सही और मस्त हो गए। तो अपना जो गणपति विसर्जन था वो तो बहुत अच्छे से हो गया। अपना गणेश उत्सव भी मस्त से हो चुका है। तो अपने जो 11 डेज का गणपति आप अपने माइनक्राफ्ट बना बेटा था, तो सक्सेसफुली ये टाइम का अपना 2024 गणेश उत्सव सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी नवरात्रि आने का टाइम हो गया, अभी थोड़े दिन बचा नवरात्रि के लिए अपने को। तो अभी अपने को मूर्ति अपने को बुक करने का, तो अभी जाने का आने के बाद अभी मूर्ति बुकिंग करने का है। तो अभी फुल बहुत काम बाकी है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं अपने को नवरात्रि के लिए। 3 तारीख से अपना नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले अपने को मूर्ति वगैरह तो लाना पड़ता है। अपना 1 तारीख को 2 तारीख तक मूर्ति भी आ जाएगा, अक्टूबर 1 तक। तो उसके लिए भी फुल मूर्ति बुक करना है। तो 10 दिन कम से कम है अपने को मूर्ति अपना बुक मूर्ति बनाने के लिए अन्ना को। तो उसके लिए अभी फटाफट अन्ना को ऑर्डर देने का है, कैसा क्या अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करने का है। अन्ना को तो पता है ऐसा डिज़ाइन सब वो सेलेक्ट करके रखते, बट अपने को जाके फाइनल भी करना पड़ता है। तो अभी जाते हैं फटाफट फाइनल करेंगे वहाँ पे। तो ये अपना मंडप देख सकते हैं आप लोग, तो ये फुल मंडप तो वहाँ पे है। अभी अंदर अपना ये डेकोरेशन रहने वाला है, इस पर थोड़ा सा कुछ माइनर चेंजेस करेंगे अपन, देखेंगे क्या रहेगा करके कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये अपना देख सकते हैं यहाँ पे ये मंडप है अपना। तो मंडप भी आपको दिखा था अंदर से, अभी कैसा फुल खाली हो गया है। मेरे को देखने के लिए भी अभी बहुत ये हो रहा है क्योंकि इतना दिन यहाँ पे गणपति बप्पा बैठे थे अपने यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना गणपति बप्पा को अपने ने बैठा रहे टाइम पे। तो ये अपना डेकोरेशन है मंदिर। तो यहाँ से अपना मूर्ति अपन बाहर लेके गए थे, तो उधर का एरिया अपन ने बंद कर दिया था, तो ये भी बंद कर देंगे अभी। तो अभी मूर्ति अभी अपने को पीछे का वापस से खोलना पड़ेगा क्योंकि मूर्ति को अंदर लेके आना पड़ता है, तो वो भी खोल देंगे। तो अभी पहले सबसे पहले अपन मूर्ति बुकिंग करके आते हैं देवी का। तो छोटा मूर्ति भी देवी में अपन 2 मूर्ति बैठाते पहले से, क्योंकि अपन ने स्टार्ट किया था देवी के साथ। तो अपन ने फर्स्ट अपन ने अपने वर्ल्ड में बिठाया था देवी, बिठाया था अपन ने। तो इस टाइम भी अपना देवी 2 ही मूर्ति रहेगा देवी का, हमेशा अपन 2 ही मूर्ति बिठाते। तो जाते हैं अभी अपना ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना स्टैंडिंग, फिर अपन यहाँ से ढोल ताशे चालू करते। तो इस टाइम भी वैसा ही रहेगा, देवी भी यहाँ से शुरू रहेगा। तो ये भी अभी सब निकल रहा है देखो। तो अन्ना के यहाँ पे भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये अन्ना का वर्कशॉप है। तो यहाँ पे अपना मूर्ति बना था, तो वो सब निकाल के अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल देवी बनने वाले हैं यहाँ पे। तो एक एक जगह पे देखो यहाँ पे देवी बन भी चुके, तो यहाँ अपना भी देवी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दोनों में से किधर एक इसमें बन जाएगा अपना देवी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मस्त मस्त देवी ऑलरेडी बन भी चुके हैं। वो देखो मस्त बनाया हुआ ये मूर्ति पे वर्क, देखो क्या मस्त मूर्ति बनाया, बहुत अच्छा ये देख सकते हो। यहाँ पे रेडी है, ऐसा आपको सैंपल चाहिए तो किसको सैंपल भी देख सकते हो, वैसा उन्होंने रेडी करके रखा है। और इस टाइम एक नया जगह ओपन किया उन्होंने, ये देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे मूर्ति रखे सब, छोटे 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 मूर्ति है। तो किसको छोटा मूर्ति, अगर आपने बड़े मूर्ति का छोटा मूर्ति चाहिए या सिर्फ छोटा मूर्ति भी रखना है किसको, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अन्ना के पे। देखो फुल हवे में क्या मस्त मूर्ति बना, तो ये देख सकते हैं। इसमें से अपन एक छोटा मूर्ति फाइनल करेंगे, तो ये देख सकते हैं। तो मस्त मस्त मूर्ति है यहाँ पे, ये देखो स्टैंडिंग में ये अच्छे मूर्ति है यहाँ पे। तो अभी जाता हूँ मैं अन्ना से बात करता हूँ, फाइनल करता हूँ कौन सा मूर्ति है, फिर मैं आपको मिलता हूँ। 1 hour later सो फुल 1 घंटे की मीटिंग के बाद अपना जो मूर्ति है वो बुक हो चुका है। तो अन्ना ने मस्त मूर्ति अपने को सजेस्ट किया है, तो वो मूर्ति अपने को पसंद भी आ गया। और अपना जो छोटा मूर्ति है वो भी अपन ने बुकिंग कर दिया। तो मैं आपको छोटा मूर्ति बताता हूँ कौन सा मूर्ति है करके। तो ये जो आपको दिखा है ये ओम वाला छोटे देवी अपन, ये वाला मूर्ति अपन ने बुक किया हुआ है। तो ये मस्त मूर्ति है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, तो उसके लिए अपन ने चूज़ कर लिया ये वाला मूर्ति को। तो ये वाला अपना मूर्ति फाइनल हो चुका है। और बड़ा मूर्ति तो आपको आगमन के दिन पता चल जाएगा कौन सा मूर्ति है करके। तो छोटा मूर्ति भी डन है, मस्त मूर्ति लगा मेरे को ओम ओम के साथ। तो सब देवी मस्ती है, सब अच्छे है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसमें ये दोनों में मैं कंफ्यूज था, ये जो ये भी मस्त है मूर्ति और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए बट मैंने ये ओम था उसके लिए, फिर मैंने ये वाला चूज़ किया है। तो ग्रेट टाइम भी अपन ने ये वाला मूर्ति बिठाया था, बट मुझे ये टाइम भी ये वाला मूर्ति पसंद आया। तो यही अपन ने मूर्ति बुक करके अपन डन हो चुका है। तो अभी अपने को टेंशन नहीं, अभी अपना बड़ा मूर्ति भी बनने को चालू हो जाएगा। तो अन्ना ने बोला कि कल से काम शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी दिन नहीं है, अभी फुल उनको फटाफट काम शुरू करना है। तो
तो उसके लिए अन्ना ने यहाँ पे अन्ना को देवी क्वार्टर भी बहुत सारा आया हुआ है, उसके अन्ना ने ये यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया है। तो जैसे ही अपना अन्ना ने बोला अभी मेरे को कि जैसे नवरात्रि होएगा अपना देवी सब जैसे बाहर जाएगा, तो उसके बाद अन्ना का जो नया वर्कशॉप बनने को चालू हो जाने वाला है, तो बहुत सारा अभी अपग्रेडेशन चालू होगा क्योंकि लिए माघी गणेश उत्सव उस पर यहाँ पे इतने सारे मूर्ति बनेंगे ना, तो आप लोग देखना यहाँ पे कम से कम 30 मूर्तियाँ तो बनने वाले हैं टाइम, क्योंकि लिए आपको भी एक से एक सरप्राइज मिलने वाला आगे जाके देखो। मस्त मस्त बहुत सारे पंडाल बनेंगे अपने पे, बहुत सारे माघी गणेश उत्सव अपने यहाँ पे जोरदार होता है, बहुत ज़ोरदार होता है जो अपने फरवरी जान के आसपास आता है, तो वो टाइम पे यहाँ पे इतना छोटा वर्कशॉप में नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा वर्कशॉप चाहिए उसके लिए। तो ये तो अभी आपने छोटा बनाया था, सिर्फ अपने गणेश उत्सव के लिए, ज़्यादा मूर्ति नहीं था गणेश उत्सव में, सिर्फ अपने इधर का एक मूर्ति और बाकी का जो अन्ना को बाहर से ऑर्डर आया था वो। बट गणेश उत्सव अपना माघी गणेश उत्सव में अपने यहाँ पे से बहुत सारे मंडप रहेंगे, कम से कम 20 का इस टाइम मेरा अंदाज है इस टाइम रहने वाले उतना सारा भंडार, तो जो भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा आगे जाके। बट यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत सारे बनने वाले, हरदा पार्सल में भी जाने वाला है वो टाइम पे, तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो अन्ना के यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल इतना ही कुछ हुआ है, बाकी कुछ नहीं, अपना मूर्ति भी डन हो चुका है नवरात्रि के लिए, तो अभी डेकोरेशन का भी टेंशन नहीं, डेकोरेशन नया बना सकता था बट उतना टाइमिंग नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि इतना मस्त अपन ने मंदिर बनाया वहाँ पे, तो मंदिर का यूज़ करेंगे अपन, वो अपन ने इस टाइम देवी उसमें बिठाएंगे, तो आगे देखेंगे आगे जाके कि कैसा क्या करना है करके। तो ये टाइम अपना डेकोरेशन रेडी है तो उसमें बिठाएंगे अपन। तो आज के लिए इतना कोई अपडेट रहेगा तो आगे दे दूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू।